चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से इज स्पीड एंड रेडियस बोथ आर ट्रिपल फॉर अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द न्यू सेंट्रीप्यूटल फोर्स ऑप्शन है डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू ट्रिपल ऑफ प्रीवियस वैल्यू या फिर वन थर्ड ऑफ प्रीवियस वैल्यू ना अगर कोई आपका पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो so उस केस में हम जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ उसको लिखते हैं एम ए सी आपका सेंट्रीपिटल uh, एक्सलेशन है उसको हम ये भी लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ये आपका सेंटिपिटल फोर्स कहलाता है नाउ इसका मतलब ये है कि जो आपका फोर्स है इसको यहाँ कर लेते हैं फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वी स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के तो आपका एफ टू अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी से करें तो एफ टू डिवाइडेड बाई एफ वन विल बी इक्वल टू वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय आर वन डिवाइडेड बाय आर टू राइट right? सो so, अगर एफ वन को उधर ले जाए विच एम्प्लाइज आपका एफ टू है उसकी वैल्यू हो जाएगी वी वन वी टू बाई वी वन का स्क्वायर यानी कि हमने वी टू जो तीन गुना कर दिया उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर वन बाय आर टू इसकी वैल्यू वन बाय थ्री हो जाएगी एफ वन हम इधर ले आए मल्टीप्लाइड बाय एफ वन सो आपका एफ टू जो है एफ टू जो है दैट विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स एफ वन यानी कि आपका नया फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स वो ओरिजिनल फोर्स से तीन गुना हो गया विच मीन्स ऑप्शन नंबर थ्री ट्रिपल ऑफ प्रीवियस वैल्यू वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया